रिकॉर्ड तोड़ती है, सबसे ज्यादा सीट भी बीजेपी को मिलेगी और अब तक का हाईएस्ट वोट शेयर भी बीजेपी को मिलेगा। They are very soothing, being a person from BJP and knowing that for a very, very long time, BJP has been in power and the faith of the people, the faith of Gujaratis is again back to BJP and it is Gujaratis who are making the BJP, which is so evident. प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों की है ये जीत। धारा 370 हटाकर कश्मीर को सुरक्षित करने वाले अमित भाई शाह की है ये जीत। राज्य के मृदु मुख्यमंत्री माने भूपेंद्र भाई पटेल की है ये जीत। राज्य के आक्रमक प्रदेश अध्यक्ष माने सीआर पाटिल साहब की है। इस जीत के बाद निश्चित रूप से आने वाले 20 सालों का जो गुजरात तय होने वाला है उस पर काम किया जाएगा और एक बार फिर गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है, जो विश्वास दिखाया है, निश्चित रूप से उसी भरोसे और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में काम किया जाएगा। देखिए क्या कह सकते हैं, जब हार हुई तो बहुत बुरी बात है, हमारे लिए तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये तो हमारे पार्टी के स्पोक्समैन लोग बताएंगे आपको कि उनकी तरफ से क्या क्या स्टडीज किए, क्या कारण है और उनका क्या रिएक्शन है। न यहाँ कोई ऑपरेशन कीचड़ चलेगा, न हम इसको चलने देंगे। हम हिमाचल प्रदेश में एक स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। और गुजरात के जैसे ट्रेंड्स आ रहे हैं, कांग्रेस का जैसा परफॉर्मेंस है उसके ऊपर आप कैसे? अभी इंतजार करिए, गुजरात एक बड़ा राज्य है हिमाचल की तुलना में, अभी कई राउंड्स बाकी हैं, जब स्थिति थोड़ी और स्पष्ट हो जाए फिर उस पर चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस गढ़ में भेद किया है, आम आदमी पार्टी ने उस गढ़ को भेदा है। मैं समझता हूँ कि इसको एक सकारात्मक दृष्टि से उत्साहजनक फैसले के रूप में लेना चाहिए। आज देश के आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। आपने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया और आगे का सफर और मजबूती और तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़े, तो इस बात की प्रसन्नता और खुशी जाहिर करूंगा कि 10 वर्षों में इतना बड़ा सफर हम लोगों ने तय किया है।